आप देख रहे हैं आर्य न्यूज, मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। शुरू करते हैं बुलेटिन का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बल्लमगढ़ में भाजपा उम्मीदवार मूलचंद शर्मा के समर्थन में रोड शो में भाग लिया। उस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के सीएम पशु सभी क्षेत्रों में काम हुआ है, शिक्षा स्वास्थ्य पेयजल सड़क संपर्क कानून व्यवस्था पारदर्शिता के क्षेत्र में। उन्होंने 2014 से 2004 तक कांग्रेस शासन के दौरान भ्रष्टाचार की, वंशवाद की, जातिवादियों की सरकार देखी, विकास का चक्र नहीं रुकेगा और हरियाणा की जनता एक बार फिर डबल इंजन की सरकार फिर से बनाएगी। डबल इंजन की तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और मैं पूरे हरियाणा के अंदर जाने के बाद ये बात कह सकता हूँ कि जगह जगह लोगों में उत्साह है, क्योंकि लोगों ने देखा है कि पिछले 10 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में, रोड कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में, पारदर्शिता के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में काम हुआ है। और लोग 2004 से 14 के बीच में जो सरकार कांग्रेस की रही, उस भ्रष्टाचार की सरकार को भी देखा, उस परिवारवादी सरकार को भी देखा, उस छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 3 दिवसीय हरित शिखर सम्मेलन को लेकर कहा कि यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ये 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ हरित शिखर सम्मेलन पहली बार आयोजित किया जा रहा है और देश के विभिन्न हिस्सों से विशेषज्ञ यहां आए हैं और ये सम्मेलन 3 दिनों तक चलने वाला है। यहां सभी को मार्गदर्शन मिलेगा और हम निश्चित रूप से पर्यावरण की दिशा में अच्छा काम कर सकेंगे। सौभाग्य का विषय है कि पहली बार ये 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ हरित शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और इसमें पूरे देश के विभिन्न जगहों से विषय विशेषज्ञ आए हैं और ये सम्मेलन 3 दिनों तक चलने वाला है। सबका यहां पर मार्गदर्शन मिलेगा और निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हम लोग अच्छा काम कर पाएंगे। वहीं विनायक दामोदर सावरकर पर कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुड्डू राव के बयान पर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा कि एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्र वीर सावरकर के खिलाफ बहुत ही निम्न स्तर की टिप्पणी की है। वीर सावरकर पर कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने जो टिप्पणी की है वो पूरी तरीके से निंदनीय है, ये उनका अपमान है। सावरकर जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने इस देश के स्वतंत्र वीर सावरकर साहब के खिलाफ बहुत ही निचले स्तर की टिप्पणी की है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने सावरकर जी के ऊपर जो टिप्पणी की है वो एकदम निंदनीय है, उनका अपमान है। मैं पहला सवाल तो मैं उबाठा से पूछना चाहता हूं कि उनके सहयोगी दल कांग्रेस के मंत्री सावरकर का जिस प्रकार से अपमान कर रहे हैं, ऐसे सावरकर जी के अपमान को बर्दाश्त करते हैं क्या? क्या कांग्रेस से वो सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं कि सावरकर जी का अपमान करना कांग्रेस बंद करे? सावरकर जी भारत के आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे, उनका जो योगदान है वो अमूल्य है। ऐसे महापुरुष के ऊपर बार बार कांग्रेस की तरफ से जो अपमानजनक टिप्पणी होती है वो निश्चित तौर पर एक्सेप्टेबल नहीं है, अब इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं कांग्रेस को बता देना चाहता हूं, उनको धमकी देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के लोग सावरकर जी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और बार बार अगर यूं ही सावरकर जी का अपमान करते रहे तो एक दिन पूरी कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र के लोग जमीन के अंदर गाड़ देंगे। तो ऐसे सावरकर जी का अपमान करने से कांग्रेस पार्टी बाज आए। एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने इस देश के स्वतंत्र वीर हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने हांसी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र सोरकी के समर्थन में रोड शो किया। उस दौरान उन्होंने कहा कि आप लोग जब 5 अक्टूबर को वोट देने जाना तो अपने बच्चों की पढ़ाई, बिजली बिल और सरकारी अस्पताल के बारे में सोचकर जाना। यहां से हमने कारगिल के योद्धा पवन फौजी को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस बार आप लोगों को झाड़ू का बटन दबाकर अग्निवीर योजना लाकर सैनिकों का अपमान करने वाली बीजेपी को सबक सिखाना है। साथियों और दोस्तों,
दो दिन के बाद 5 तारीख को आपको अपना वोट देने के लिए जाना है, मतदान करने जाना है। मतदान करने के लिए जाना, वोट देने के लिए जाना, तो अपने बच्चे का चेहरा देख के जाना। वोट देने के लिए जाना तो ये सोच के जाना कि अरविंद केजरीवाल और पवन फौजी ने आपसे वादा किया है अच्छे स्कूल आपके बच्चों के लिए बनवाएंगे, जैसे दिल्ली में बनवाया, पंजाब में बनवाया। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान ने एक सार्वजनिक रैली में पंचायती चुनावों पर बोलते हुए कहा कि जब आप पैसे लेकर वोट देते हैं और बाद में जब आप उस सरपंच के पास जाते हैं तो वह आपको अपना वर्तमान रेट बताएगा, आप चाहे तो यही व्यक्ति तो इससे आने वाली पीढ़ियों पर फर्क पड़ेगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। मेरे को हूं तक 200-300 तो ज्यादा पिंड की लिस्ट जिन्होंने सहमति कर अज सीचेवाल पिंड की आई है, पांचवी बार सहमति हुई जो संत बाबा सीचेवाल अपने राजसभा के मैंबर उन्होंने पिंड पांचवी बार सहमति हुई है। एको सरपंच थी वो बंदा पांचवी बार बने, यदा मतलब पिंड च एक है, वह पिंड तरक्की कर जाते। फिर जो पंचायत ये कह कि असी तो पैसे नहीं लगन देना जी, जे पैसा लग गया तो अपनी हेठी है, फिर नहीं पिंड तरक्की कर सकता। फिर जे किसी पिंड के मुंडे को या कुड़ी को नौकरी मिलेगी सरपंच मोहर लाने के पैसे मंगूगा, क्योंकि सरपंच ने आप 40 लाख लाया होंगे ना, जेड़ा थोनू एक बार ही खरीदूगा वो 5 साल थोनू बेचूगा। ये भी देख लीजिए, जे तुसी पैसे लेके वोटा पाओगे जो कोई काम होया तुसी उस एमएलए कोले मंत्री कोले सरपंच कोले जाओगे कि आ काम है, वह कहूगा जी 10,000 रुपये रखो, तुसी कहोगे जी इस तो थोनू वोटा पाइया सी, वह कहूगा जी जो थोड़ा उदो वोटा मेरे रेट से उदो थोनू दिता सी, हुण जिहड़ा साडा रेट है हुण थोनू देना पैणा। की बोलोगे जी उत्थे नीरी पा के मुड़े आओगे ना। इस करके वोट नूं ऐ ना समझो कि एक वोटर कार्ड है, चल फड़ा दे इनू फड़ा दे मामे नू फड़ा दे मास्टर नू फड़ा दे। चंगे बंदे चुन लोगे पीढ़ियां बदल जाणगियां, आ गरीबी चक्की जाऊगी घर चो। तो मैं मेरे को हुण तक 200-300 तो ज्यादा पिंडां दी लिस्ट चल जिन्हां ने सहमति कर अज सीचेवाल पिंड की आई है, पांचवी बार सहमति हुई जिहड़ा संत बाबा सीचेवाल अपने राजसभा के मैंबर उन्होंने पिंड पांचवी बार सहमति हुई है। एको सरपंच थी वो बंदा पांचवी बार बने, यदा मतलब पिंड च एक है, वह पिंड तरक्की कर जाते। फिर जो पंचायत ये कह कि असी तो पैसे नहीं लगन देना जी। वहीं केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने दिल्ली के सीएम आतिशी द्वारा बिजली कंपनियों के ऑडिट की घोषणा पर कहा कि बड़ी हास्यास्पद बात है कि जिस डिस्कॉम में दिल्ली सरकार की हिस्सेदारी 49% है उसके खिलाफ ये जांच कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये खुद के खिलाफ जांच कर रहे हैं, ये केजरीवाल के खिलाफ जांच कर रहे हैं, एक नया भ्रष्टाचार है उसे कवर करने के लिए ऑडिट की बात ये लोग कर रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। दिल्ली सरकार का शेयर 49% है, उसके खिलाफ ये इंक्वायरी सेटअप कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, इसका मतलब ये अपने खिलाफ कर रहे हैं या केजरीवाल साहब के खिलाफ कर रहे हैं? उससे पहले तो वो ही थे, और जबकि बिजली मंत्री के नाते आतिशी खुद भी थी। और मैं तो इसमें एक बेसिक प्रश्न पूछना चाहता हूं आतिशी जी से, ये उनके एम्प्लॉयज की पेंशन के लिए जो सेस है वो जनता से क्यों लिया जाना चाहिए? डिस्कॉम कंपनीज को खुद बेयर करनी चाहिए, प्रॉफिट मेकिंग बॉडी है, उनको वो सेस पेंशनर्स के लिए
अपने इम्प्लॉयज की पेंशन के लिए उन्हें पैसा जनता से क्यों लेना चाहिए। इसके अलावा भी ऐसे पीपीआरसी है और मैटर्स में भी ये ऐसे इन्होंने चार्जेस लगा रखे हैं डिस्कॉम्स ने, दिल्ली सरकार के कहने के बाद दिल्ली सरकार की इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ ये सेस लगे हुए हैं, जिसके कारण से बिजली का बिल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा आता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा कितना आता है मैं बताना चाहता हूं। अगर मान लीजिए किसी का बिल यूनिट्स के अकॉर्डिंग 100 रुपए का आना चाहिए, ये जो सेस और इस साथ में जो अदर चार्जेस लगाए हुए हैं उसके कारण से वो बिल 175 रुपए का आता है। 75% पैसा जो बिल का है, बिजली के बिलों का, वो इनके चार्जेस और सेस के कारण आता है। अब ये ड्रामा कर रही है ये बताने के लिए कि हम इनके खिलाफ इंक्वायरी करेंगे, और आज ही क्यों तुम्हें ध्यान आ रहा है? 10 साल से तुम्हें ध्यान नहीं आया उन पेंशनर्स का? ये पैसा जब से ये ले रहे हैं, पेंशन के नाम पे जो सेस ले रहे हैं उसका घोटाला है, और उस घोटाले में दिल्ली की सरकार का मुख्यमंत्री, दिल्ली की सरकार की पहले की विद्युत मंत्री और इस समय की मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब और आतिशी भी इन्वॉल्व हैं। दिल्ली वही रायबरेली में भाजपा से सदर विधायक अदिति सिंह के प्रयास से 30 वर्षों से विस्थापन का दर्द झेल रहे शहर में रहने वाले चार परिवारों सिंधी परिवारों के 15 लोगों को सीएए कानून के तहत मिली नागरिकता। सभी ने सदर विधायक को इसके लिए धन्यवाद भी दिया। वहीं आपको बता दें कि नागरिकता पाने वाले कुमार लाल ने बताया कि पाकिस्तान में सिंध प्रांत के जिला शखर के पनोब आकिल कस्बे में हम लोगों का किराने का बड़ा कारोबार था, लेकिन आए दिन पाकिस्तानियों के द्वारा होने वाले जुल्म से परेशान होकर लगभग 30 वर्ष पहले अपना घर व कारोबार छोड़कर वहां से भाग आए थे और पिछले 30 वर्षों से यहीं पर रहकर अपना कारोबार कर रहे थे, लेकिन नागरिकता ना मिलने के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ हमें नहीं मिल पा रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा जब 2024 को सीएए कानून लागू होते ही हम लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन कागजी कार्रवाई के कारण काफी भागदौड़ हमें करनी पड़ी, काफी मशक्कत के बाद आज हमें नागरिकता प्रदान की गई है। हालात उधर के खराब थे, जुर्म होते थे, हम लेडीज निकल नहीं पाते थे और जेंट्स भी शाम को जल्दी आ जाते थे, उन लोगों को भी डर लगता रहता है कोई आ पकड़ न जाए, वही पकड़ लेता है तो लाखों का लाखों मांगा जाता है, तो इसी वजह से हम निकल आए उधर से पाकिस्तान से। कब आई थी आप लोग, कितने साल पहले? हमारे को 27 साल हुए हैं, 27 साल से हम इधर रह रहे हैं। अच्छा, नए कानून के तहत सीए के तहत आपको देश की नागरिकता मिल गई? अभी हाँ, अभी नागरिकता मिली है, पहले नागरिकता नहीं मिल रही थी। हमारा नाम कुमार लाल है, हम पाकिस्तान से 92 में आए थे। पाकिस्तान में बहुत दिक्कत हो रही थी, वहाँ किडनैप हो रही थी, बहन बेटियों को भी अगर ले जाना पड़ रहा था तो कोई आदमी साथ में जा रहा था, बहुत परेशानियाँ थी, इसीलिए हम पाकिस्तान से सीधा रायबरेली आ गए। 30 साल से हम रायबरेली में रह रहे थे और हमने नागरिकता का फार्म भी भरा था, बहुत प्रयास भी किया, हमको नागरिकता में सफलता नहीं मिली। बाद में मोदी जी का, अमित जी का धन्यवाद है कि उन्होंने सीए लागू किया, उसी के बाद हमारी सदर विधायक आतिश सिंह को हमने कहा गया, उन्होंने अपने प्रयासों से हमको नागरिकता दिलवाई है। हमने 24 अप्रैल 2024 में फार्म भरा था, हम 15 लोगों को अगस्त 20 तक सबको नागरिकता मिल गई थी। क्या क्या जुर्म हुए थे आपके साथ जो आप वहाँ से छोड़कर आपको भागना पड़ा, और थोड़ा सा डिटेल बताइए। हम ये कह रहे थे कि पहले तो ये था कि मतलब जो किडनैप करते थे वो आदमी देख करके करते थे, अब तो ये प्रयास हो गया अगर 8 आदमी मिला तो 8 को लेके जाएंगे, चाहे गरीब हो अमीर हो, तभी उनसे पैसे मांगे जाते, तो बहुत जुल्म हो रहा था। ये सही बात है कि काफी हमारे रायबरेली में ऐसे लोग हैं जिनको भारतीय नागरिकता नहीं मिल पा रही थी, कम से कम 50 साल से वो उनके परिवार वाले दर बदर भटक रहे थे कि कैसे उनको भारतीय नागरिकता मिले, और वो भारतीय हैं, भारत देश में पैदा हुए हैं, उनके पूर्वज भी यहाँ पैदा हुए हैं, बशर्ते खास तौर से हमारे सिंधु समाज के जो लोग हैं उनको नागरिकता हासिल करने में बहुत दिक्कत आ रही थी, और इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी को और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को,
आदरणीय अमित शाह जी को, हमारे गृहमंत्री जी को धन्यवाद खास तौर से देना चाहूंगी, जिन्होंने CAA बिल की जो अमेंडमेंट है उसकी वजह से लोकल स्तर पे भी हमारे रायबरेली में लगभग 15 लोग लाभान्वित हो चुके हैं, और आपके माध्यम से, अपनी मीडिया बंधु के माध्यम से अन्य लोग जो इस मुश्किल का सामना कर रहे हैं उनको भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि जिनके पेपर वर्क सही हैं और किन्हीं कारणवश अभी तक उनको भारतीय नागरिकता नहीं मिल पाई है, प्लीज आप भी सामने आए ताकि हम आपकी मदद कर सकें। वहीं पटना में LJP रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राज तिवारी ने आज पटना में पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता करके पार्टी के द्वारा अक्टूबर और नवंबर में प्रस्तावित दो बड़े कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि 8 अक्टूबर को पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की पुण्यतिथि के दिन उनके पैतृक गांव तथा 28 नवंबर को पार्टी की स्थापना दिवस के दिन पटना के गांधी मैदान में बड़ा कार्यक्रम होगा। स्थली शहर बनी पहुंचते हैं, उसकी भी तैयारी जोरों से हो रही है, क्योंकि हम लोग ये संस्थापक जिनके पद चिन्हों पर हम लोग चलने का काम करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के पुण्यतिथि वहां बनती है 8 अक्टूबर को, और उनका जन्म दिवस हम लोग हाजीपुर में जहां मूर्ति आदमकद मूर्ति लगी है वहां हम लोग मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष बड़े पूरे कार्यकर्ता बिहार से इकट्ठा होते हैं, इस वर्ष हम लोग 8 अक्टूबर को वहां पर इकट्ठा होंगे। खबर रायबरेली से है, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर आगामी त्योहारों को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बगैर लाइसेंस गोला बारूद बनाने पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई कर भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ ही एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि मामला बछवावा थाना क्षेत्र की हरदोई गांव का है, जहां बगैर लाइसेंस गोला बारूद बेचने के आरोप में पुलिस ने मुस्तकीम पुत्र इद्दू को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से 20 किलो सुतली बम, 15 किलो अनार, 15 पैकेट मिर्ची पटाखे के साथ ही 7 किलो रैपर लगा एल्यूमिनियम छिलका सहित भारी मात्रा में गोला बनाने का बारूद भी बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। बछवावा थाना क्षेत्र अंतर्गत हरदोई नामक गांव में एक घर में अवैध पटाखा बनाए जाने की सूचना मिली। इस सूचना पर पुलिस ने दबिश दे करके वहां से लगभग 74 किलो पटाखे एवं उससे निर्माण के काम में आने वाली कच्ची सामग्री, बारूद आदि का बरामद किया गया है। इसमें एक अभियुक्त जो है मुस्तकीन है, उसको गिरफ्तार किया गया है और उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। पुलिस लगातार अवैध पटाखों के विरुद्ध अभियान चलाए हुए है। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के स्मार्ट सिटी में शुद्ध पेयजल और शहर में बारिश के पानी से हो रहे जलभराव सहित फैली गंदगी को लेकर कांग्रेसियों के द्वारा नगर निगम का घेराव कर अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नारेबाजी करते हुए जमकर धरना प्रदर्शन किया गया। नगर निगम का घेराव कर प्रदर्शन करने वाले कांग्रेसियों के द्वारा नगर निगम के अधिकारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर 15 दिन के भीतर शहर में फैली समस्या को दुरुस्त नहीं कराया गया तो उनके द्वारा नगर निगम का पुनः घेराव कर धरना प्रदर्शन करते हुए नगर निगम के गेट पर ताला लगाने का काम किया जाएगा, जिसके चलते शहर में फैली समस्याओं को लेकर उनके द्वारा एक ज्ञापन नगर आयुक्त को सौंपा गया। नगर निगम अलीगढ़ लगातार इन चीज़ों पर काम कर रहा है, क्षमता वृद्धि में काम कर रहा है। जो नाले 20-20 साल से साफ नहीं हुई तो उसकी सफाई का काम कर रहा है। उसके बाद पेयजल की जो हमारी क्षमता वृद्धि है उस पर भी हम लोगों ने काम किया है। 30-30 महीने के अंदर 2 महीने के अंतराल में लगाए गए हैं। जो हमारे बड़े नलकूप हैं सेंटर क्लोज वाटर वर्क, उनको एक्टिव कराया गया है, जिसको लगातार हम वाटर सप्लाई लाइन से जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। और निकट भविष्य में जहाँ भी पानी की समस्या है उनको हम लोग दूर करेंगे। जल भराव को लेकर के कुछ पुराने क्षेत्र ऐसे थे जिनके बारे में लगभग बता रहे हैं कि 8-9 साल से उस पर पानी
का जल जमाव ब्लू लैंड होने के कारण, नीचे की आबादी होने के कारण हुआ है। ये बात सही है कि नीचे की आबादी रही है, लेकिन जल जमाव की समस्या तत्काल न आकर के बहुत पुरानी है, हम लोग उसके निदान का प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी बारिश के सीजन में उस क्षेत्र में जल जमाव नहीं होगी, ऐसी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। पूर्व विधायक विवेक खबर अलीगढ़ से है, जहां पूर्व मेयर के द्वारा रसिया दंगल कार्यक्रम का आयोजन सड़क पर करवाया गया था। इसको लेकर पूरे विपक्ष के साथ जमीयत उलेमा हिंद के पदाधिकारियों के द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक पत्र जिलाधिकारी अलीगढ़ को सौंपा गया, जिसमें उनके द्वारा सड़क पर कार्यक्रम होने पर रोक लगाई गई। और तो वहीं जमीयत उलेमा हिंद के अलीगढ़ के सदर मुफ्ती अकबर काजमी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सड़कों पर नमाज पढ़ने को अवैध घोषित कर दिया है, साथ ही तमाम तरह के जो कार्यक्रम हुआ करते थे उन पर भी रोक लगा दी गई है। अनजानों को भी रोकने का काम सरकार के द्वारा किया गया है, लेकिन अब सड़कों पर धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिसको लेकर उनके द्वारा एक पत्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम देते हुए बड़ी मांग की है। जल्द ऐसे कार्यक्रमों पर रोक नहीं लगाई गई तो उनके द्वारा सड़कों पर नमाज पढ़ना फिर से शुरू कर दिया जाएगा। पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोसी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया, आज कल दिल्ली गेट चौराहे पर कुछ रसिया दंगल के नाम से एक आयोजन किया गया, उसको लेकर आज जिलाधिकारी महोदय से हम मिले और हमने आपत्ति दर्ज कराई। हमने कहा कि भाई ये बताइए, हमारी 5 मिनट की नमाज से आपको आपत्ति है और पूरे प्रदेश के अंदर आपने ये कर रखा है कि नमाज नहीं होगी, लेकिन क्या ऐसी वजह है कि एक धर्म के लोग रसिया दंगल के नाम से एक आयोजन करते हैं और उसमें रोड जाम कर देते हैं, जबकि वहां पर पुलिस थाना भी है और हमारा धार्मिक स्थल भी है। तो अगर इनको कोई ऐसा कार्यक्रम करना है तो वो कौन अधिकारी है जिन्होंने इनको अनुमति दी है, हमारा ये सवाल है। और हम इसको RTI के जरिए जांचना भी चाहेंगे, चेक भी कराएंगे कि किस अधिकारी ने इनको अनुमति दी है। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि अगर रसिया दंगल इनको कराना है तो किसी ग्राउंड में कराएं, रामलीला ग्राउंड में कराएं, कहीं और कराएं, आखिर उसी चौराहे को क्यों चुना गया? ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर बनाने की राजनीति है और मुसलमानों को कहीं ना कहीं ये बावर कराने की कोशिश है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मेयर द्वारा एक आयोजन किया गया, सुनने में आया है कि वो कोई धार्मिक आयोजन भी नहीं था, वो अपने बहन भाई की याद में कोई रसिया दंगल कराती हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, एक तरफ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि सड़क जाम करके कोई आयोजन नहीं किया जाएगा, उसके बावजूद शहर का प्रमुख चौराहा जाम करके घंटों के हिसाब से वहां जाम लगा दिया गया और पुलिस ने संरक्षण दिया। वही अलीगढ़ के जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते युवती की मौत की खबर सामने आई है। वहीं आपको बता दें कि इंजेक्शन गलत लगाने के कुछ देर बाद ही युवती की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने जिला अस्पताल के डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं अस्पताल के इमरजेंसी में परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। वहीं युवती को 2 दिन पहले बुखार आने की खबर दी गई थी, जिसके कारण वो बोल नहीं पा रही थी। युवती के परिजन इलाज के लिए उसे हाथरस अलीगढ़ लेकर आए। उस मौके पर पुलिस प्रशासन और CMS परिजनों को समझाने में लगे, उसके बाद जो है वो मामले को शांत करवाया गया। हमारी एक खुशी नाम की बच्ची थी जो कि हाथरस की रहने वाली थी और वो उसको 5-6 दिन से 1 सप्ताह से बीमारी चल रही थी। उन्होंने वहाँ प्राइवेट में इलाज कराया हाथरस में, उसके बाद वो यहाँ पे एक प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ पे इलाज कराने गए थे, तो वहाँ से बच्ची को यहाँ रेफर किया गया आज हमारे मलखान सिंह अस्पताल में। नहीं, बच्ची की हालत गंभीर थी, उसको सांस फूलने की शिकायत थी, उसके गले में उसकी झिल्ली थी आज, क्योंकि वो सस्पेक्टेड था कि उसको डिप्थीरिया केस है। नहीं, डॉक्टर साहब तो हमारे यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर साहब बैठे हुए मेरे साथ बैठे हुए, ऐसा कुछ नहीं है। उसको गले में झिल्ली थी और आजकल क्योंकि इस महीने में 12 केस डिप्थीरिया के हमारे यहाँ आ चुके हैं, तो डिप्थीरिया का थोड़ा केस आ रहे हैं आजकल, तो गले में झिल्ली हुई थी, तो सस्पेक्टेड मोस्ट प्रोबेबली डिप्थीरिया ही। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़।